और अब रुख करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। ये खबरें दिल को सुकून देती है, अपने विकास को लेकर एक भरोसा देती है। एक ऐसी खबर जो लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी है। पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने वादा किया था कि पंजाब के लोगों को बेहतर सेहत की सुविधा दी जाएगी। चुनाव के बाद, सरकार बनने के बाद पार्टी ने अपना वादा पूरा किया। मुख्यमंत्री भगवंत मान शुक्रवार को अमृतसर पहुंचे और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आम आदमी क्लिनिक की शुरुआत की, जिसके तहत शुक्रवार को पंजाब में 400 आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक खोले गए हैं। इससे पहले 100 और क्लिनिक जनता की सेवा में यहां शुरू किए गए थे, जिनकी संख्या अब 500 हो गई है। 400 में से 30 क्लिनिक अमृतसर के शहरी और ग्रामीण इलाके में हैं। सरकार का कहना है कि राज्य में पहले से बनाए गए 100 मोहल्ला क्लिनिक में 10 लाख से ज्यादा लोग दवाई अब तक ले चुके हैं। बताया जा रहा है कि इन मोहल्ला क्लिनिक में 91 के करीब दवाई और 100 के करीब टेस्ट फ्री किए जाएंगे। यहां डॉक्टर सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक मरीजों को देखेंगे। पंजाब में खोले गए ये आम आदमी क्लिनिक किस तरह से काम करेंगे, क्या सुविधाएं लोगों को मिलेगी, इन क्लिनिक से कितना फायदा लोगों को होने की उम्मीद है, इस तरह के तमाम पहलुओं पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता ललित शर्मा। तस्वीरों के जरिए आपको समझाएं कि किस तरह से ये आम लोगों के लिए फायदेमंद होने वाले हैं। सबसे पहले आपको वेटिंग रूम का ये नजारा दिखा दें। मैम, जानना चाहेंगे आपके हाथ में ये टैब है, किस तरह से ये हेल्प आउट करेगा, कैसे मदद करेगा? सर, ये टैब है, इसमें एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप पेशेंट के रजिस्ट्रेशन करेंगे। मैं रजिस्ट्रेशन करूंगी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद मैं टोकन दे दूंगी पेशेंट को और फॉरवर्ड कर दूंगी डॉक्टर साहब को। ये 500 क्लिनिक्स खोले जाएंगे, जानना चाहेंगे किस तरह से लोगों के लिए फायदेमंद होने वाले, क्या क्या फैसिलिटी इन क्लिनिक्स के जरिए मिलेगी? सबसे जो बढ़िया फैसिलिटी तो वो है कि लोगों के घरों के पास ही अब आम आदमी क्लिनिक आ गया है। पहले लोगों को सिविल हॉस्पिटल में या बड़े हॉस्पिटल में छोटी छोटी बीमारियों के लिए जाना पड़ता था, जहां नॉर्मली 800 या 1000 पेशेंट आ रहे हैं जैसे सिविल हॉस्पिटल में, तो वहां 2-3 घंटे टाइम लगता था, टेस्ट के लिए भी टाइम लगता था और टेस्ट वो सब्सिडाइज रेट पे थे और साथ में पर्ची फीस भी लगती। यहां सबसे बढ़िया है कि कोई पर्ची फीस नहीं है, पेशेंट की रिकॉर्ड उसका डिजिटाइज होगा और 91 तरह की जो मेडिसिन है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उसको दी जाएगी। तो ये सैंपल रूम है जहां पर टेस्टिंग वगैरह है वो की जाएगी, कितना आधुनिक तरीके से आप देख सकते हैं यहां पर सेरोलॉजी, ESR, हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोस्कोप, तमाम तरह की जो चीजें हैं, यानी 41 तरह के जो टेस्ट है वो यहां पर मुफ्त करवाए जाएंगे। और खास तौर पर आपको बता दें कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने सरकार बनने से पहले है वादा किया था कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़िया किया जाएगा, वो एक गारंटी दी थी और उसी गारंटी को आगे पूरा करते हुए अब पूरे पंजाब भर में लगभग 500 आम आदमी क्लिनिक, जिन्हें की दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक कहा जाता है, वो खोले जाएंगे।